मनुवादी व्यवस्था को पूंजीवादी व्यवस्था में शामिल करने की नायाब पहल करते हुए सरकार ने अब पुजारियों को स्किल्ड बनाने का फैसला लिया है। इस स्किल डेवलपमेंट के कोर्स में आधुनिक परिवेश में कर्मकांड की विधा में पारंगत होने का हुनर सिखाया जाएगा। डिप्लोमा या डिग्री कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है और अब तक 1.5 लाख से भी ज़्यादा संख्या दर्ज की जा चुकी है। परंपरा, संस्कृति और सनातन की दुहाई देने वाली सरकार अब फॉर्मेशन की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए पंडो पुजारियों को चुना गया है, नाम दिया गया है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग का। हंसकर मत टालिए, गौर कीजिए, ये मसला बेहद गंभीर है। ये तैयारी है एक बड़ी आबादी को मानसिक तौर पर जकड़ने की, पंगू बना देने की। पूंजीवाद और धर्म का घालमेल बहुत खतरनाक साबित होता है। इसे यूँ समझिए, पिछले दौर में झांकिए, जब पत्रकार समाज में व्यवस्थापक नहीं मार्गदर्शक था। पूंजीवादियों ने उसे सूट बूट के साथ ग्लैमरस बना दिया, तिजोरियां खोल दी, टीवी पर नज़र आने वाला एंकर खास बन गया और आम आदमी ने मान भी लिया कि जो उसकी जुबान कह रही है वही सच है। इस तरह पत्रकार सत्ता का प्रबंधक बन गया। अब कल्पना कीजिए, जब सूट बूट में लिपटा हुआ एक पुजारी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा होगा, वो सुदामा की तरह याचक नहीं होगा बल्कि नीति नियामक होगा। उसकी हर बात सही होगी और जमात का एक बड़ा तबका उसका अनुयायी होगा, क्योंकि वो आम नहीं होगा, आपके लिए खास होगा। मनुवादी व्यवस्था में भी विरोध न हो इसका भी जतन किया गया है। पूंजीवादी व्यवस्था भी काबिज होने की नीति पर चलती है और आज सत्ता की चाहत भी ऐसी ही है। एक ऐसा भक्त जो आस्था रखे तर्क की कसौटी पर न परखे। अब नज़र डालते हैं सरकार की इस मायावी स्कीम पर। इसके तहत कर्मकांड की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाने वाली है, वैसे ही जैसे ITI में दी जाती है। पुराण, वेद, ज्योतिष के साथ इसमें कर्मकांड की सभी विधाएं शामिल होंगी। इतना ही नहीं, ऑनलाइन यानी तकनीकी पूजा कराने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अब तक इस कोर्स के लिए 1,72,000 लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के भी 209 पुजारी शामिल हैं। एक और खास बात है कि इसकी जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद को दी गई है। शायद ये पहला मौका है जब सरकारी योजना की जिम्मेदारी किसी धार्मिक संगठन को सौंपी गई है। सवाल ये उठता है कि देश के कई राज्यों में संस्कृत और संस्कृति, धर्म और कर्मकांड के विश्वविद्यालय मौजूद हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। प्रथमा, मध्यमा, शास्त्री, आचार्य जैसी डिग्रियों का नाम लेवा कोई नहीं है। संस्कृत शालाओं को विकसित करने और संस्कृति शिक्षा को बढ़ावा देने की जगह इस तरह की योजना क्यों?